हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट रिलीज होने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप काउंसलिंग करवाने के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं ताकि काउंसलिंग के समय आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बात करेंगे कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपको कलेक्ट कर लेने हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और जो भी नए बच्चे हैं जो पीटीटी की काउंसलिंग करवा रहे हैं और उन बच्चों को काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो गई हो तो जल्दी से करेक्शन करा लीजिए। फॉर्म करेक्शन कराने की जो लास्ट डेट है 4 अगस्त लास्ट डेट है, तो 4 अगस्त से पहले आप अपना फॉर्म ठीक करवा लीजिए। क्योंकि आप जब आप पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा करेक्शन पैनल का। उस पर क्लिक करने के बाद उसमें आपको डालना होगा फॉर्म नंबर, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये सब डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन कर देने के बाद जो भी आपका फॉर्म होगा वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी उसमें करेक्शन करना हो कर लीजिए। जैसे कि मोबाइल नंबर हुआ, माता का नाम हुआ, पिता का नाम हुआ, आपका नाम हुआ, तो जो भी गड़बड़ है उसे ठीक कर लीजिए। लास्ट डेट है 4 अगस्त। अब देखिए काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको दो सेट बनवा लेने हैं। एक सेट कॉलेज में जमा हो जाएगा और एक सेट आपको अपने पास रखना होगा जो कि भविष्य में काम में आ सकता है। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए जो दस्तावेज होंगे आपके लिए। काउंसलिंग आईडी, बैंक पासबुक, 10th और 12th की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र जितना भी पुराना हो चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास जितना भी पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र हो चल जाएगा। आय प्रमाण पत्र 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आय प्रमाण पत्र 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो आप बनने के लिए जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है, अप्लाई कर दीजिए। बनने में लगता है 15 दिन का समय, ठीक है, अभी टाइम आपके पास है। अगर आप काउंसलिंग के समय बनवाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और आपको दिक्कत भी हो सकती है। आधार कार्ड, देखिए आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये दो चीज़ें तो कॉमन होती हैं, तो इन दो चीज़ को आपको हर हाल में बनवा लेनी है। और आधार कार्ड अगर नहीं आपके पास है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास, वो भी चल जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जाति प्रमाण पत्र भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो नया बनवा लीजिए। PNCAP खेल अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आपको छूट भी मिलेगी काउंसलिंग में। कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास खेल से रिलेटेड, आपके पास अगर प्रमाण पत्र है अगर आपके पास कोई भी, तो आपको काउंसलिंग में छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें बनवा लेने हैं और दो सेट बनवा लेने हैं आपको। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो सेट बनवा लीजिए। एक सेट आपके कॉलेज में जमा हो जाएगा, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद एक डॉक्यूमेंट्स आपका, जो एक सेट है डॉक्यूमेंट्स का, वो आपके कॉलेज में जमा हो जाएगा। दूसरा सेट वो अपने पास रखिए जो कि भविष्य में काम में आ सकता है, जिसमें शामिल हो जाता है काउंसलिंग आईडी, बैंक पासबुक। और इसमें एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसमें जो आप काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग जो आप फीस जमा करेंगे 5,000 रुपये, उसकी जो रसीद आपको मिलेगी 5,000 रुपये की रसीद और 22,000, तो 22,000 रुपये जो फीस होगी आपकी, ये 4 ईयर्स वालों की फीस है। तो 5,000 रुपये की जो रसीद मिलेगी इसे कलेक्ट कर लेना है, और 22,000 रुपये की जो आपकी रसीद होगी इसको भी कलेक्ट कर लेना। कि दोनों ये जो रसीद मिलेंगी आप लोग दोनों को, दोनों की रसीद मिलेंगी, ये कॉलेज में आपको दिखानी होगी, तभी आपको एडमिशन मिलेगा कॉलेज, जब आपको अलाउड कॉलेज होगा उसके बाद, ठीक है। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं काउंसलिंग शुरू होने से पहले। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। और आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो तो करेक्शन पैनल का लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर जाइए, करेक्शन पैनल पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको अपना डालना होगा फॉर्म नंबर, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। लॉगिन कर देना है, फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा, आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। 4 तारीख लास्ट डेट है 4 अगस्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 अगस्त से पहले करेक्शन कर लीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी नए बच्चे हैं जो पीटीटी की काउंसलिंग करवा रहे हैं और उन बच्चों को काउंसलिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।